हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ कंचन। आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं लेके आती हूँ नेचुरल रेमेडीज। अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में बेल आइकन है वहाँ भी प्रेस। फेस के अनवांटेड हेयर से हम सभी लोग परेशान रहते क्योंकि वो देखने में बहुत ही खराब लगते हैं। किसी किसी के तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं तो वो बहुत ही खराब लगते हैं। आजकल तो बहुत लोग फेस यानी कि रेजर से क्लीन कर लेते हैं, वैक्स करवा लेते हैं, बट हम उसको करवा तो लेते हैं लेकिन उसे साइड इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। जैसे हम वैक्स करवाते हैं फेस में तो धीरे धीरे हमारी स्किन जो है लूज हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है, और रेजर से भी यही प्रॉब्लम होती है। तो मैं अनवांटेड हेयर रिमूव करने के लिए एक नेचुरल रेमेडी लेके आई हूँ जिसको आप अप्लाई करोगे अपने फेस पे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अनवांटेड हेयर जो है रिमूव हो गए हैं, यानी कि आपके जो फेस के छोटे छोटे हेयर होते हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे, वो जड़ से खत्म हो जाएंगे, फिर वो दोबारा वापस भी नहीं आएंगे। छोटे में आप लोग देखते होंगे कि हमारी दादी नानी लोग जो है बच्चों का उपटन लगाती थी, बच्चों को उपटन लगाती थी। क्यों लगाती थी? इसीलिए लगाती थी कि जैसे बच्चों के जो छोटे छोटे हेयर है वो जो रिमूव हो जाए, झड़ जाए धीरे धीरे, और उसको वो प्रॉपरली 1 मंथ 2 मंथ करके लगाती थी, तब जो वो धीरे धीरे जो हेयर है हट जाते थे, जड़ से हट जाते थे। और वाकई में ये जो है रेमेडी एकदम सही थी, यानी कि जो पहले के नुस्खे होते हैं वो बहुत ही सही होते हैं। आजकल हम पुराने नुस्खों को भूल गए हैं और हम बाजार में जाते हैं, केमिकल वाली चीज यूज कर लेते हैं, क्रीम वगैरह यूज कर लेते हैं, आर्टिफिशियल चीज यूज करते हैं जैसे कि वैक्स हो, रेजर हुआ तो हम यूज कर लेते हैं। लेकिन हम नेचुरल रेमेडी अगर यूज करेंगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और हमें उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसके रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आज मैं एक ऐसा फेस पैक लेके आई हूँ जिसको आप अपने फेस पे अप्लाई करोगे और उसको अप्लाई करने के बाद फिर आप देखोगे उसका रिजल्ट कि आपके फेस के जो अनवांटेड हेयर है वो धीरे धीरे रिमूव हो गए हैं। एक बार में रिमूव नहीं होगा गाइस, आप ध्यान दे रखना, इसको आपको प्रॉपरली लगाना पड़ेगा। 1 वीक 1 मंथ आप इसको ट्राई करोगे तो आपके फेस के जो अनवांटेड हेयर है वो धीरे धीरे झड़ते चले जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस फेस पैक को कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। तो प्लीज गाइस, आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको इसको कैसे लगाना है। तो चलिए आप देखते हैं कि इस रेमेडी को कैसे बनाना है। और हाँ गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है और 1 चम्मच बेसन लिया है। और इसके बाद इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के लिए मैंने कच्चा दूध लिया है। और ये बात, हाँ, क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अनुसार। आप इसको अपने फेस में और पूरी बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हो। कच्चा दूध आपको उतना लेना है जितना कि आपका एक फाइन पेस्ट बन के रेडी हो जाए। इसके बाद इसमें ऐड करना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आप जानते हो कि आपकी स्किन के कलर को फेयर करता है। इससे बच्चों की भी छोटे में मालिश हमारी दादी नानी करती थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी में पाया जाता है एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी, जो कि हमारे दाग धब्बों को दूर करता है। इसके बाद ऐड करना है शहद। शहद हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ड्राइनेस की प्रॉब्लम को दूर करता है। अब सभी इंग्रेडिएंट को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मेरा एक ये जो है फेस पैक रेडी हो गया है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने इस फेस पैक को कैसे तैयार किया है। अब मैं बता रही हूँ कि इस फेस पैक को कैसे अप्लाई करना है अपने फेस में। सबसे पहले आपको अपना फेस जो है अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक हैंकी की हेल्प से मैंने हैंकी को गीला कर लिया है और अपने फेस को पूरे अच्छे से साफ कर लिया है। वैसे तो मेरे फेस में कोई भी मेकअप नहीं है, बस मैंने लिपस्टिक लगाई है। लेकिन अगर आप कहीं से भी बाहर से आते हो, किचन में काम कर रहे हो,
तो भी आपको अपना फेस क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके फेस में कोई डर्ट वगैरह रहेगा तो एक एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको ये फेस पैक अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है, जहाँ जहाँ आपके फेस में हेयर हो, जहाँ आप परेशान हो कि आपके फेस पे ज़्यादा बाल हो, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। आपको इस फेस पैक की एक मोटी लेयर लगानी है, क्योंकि जब आप मोटी लेयर लगाते हो ना तो हेयर रिमूव होने में ज़्यादा इफेक्ट होता है। यानी कि आप मोटी लेयर लगाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आपके जो अनवांटेड हेयर है यानी कि फेस के जो बाल हैं वो निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फेस पैक कितने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ज़्यादा बाल हम लोग के पास फेस में कान के पास रहते हैं, किसी किसी के अपर लिप्स में ज़्यादा रहते हैं, तो आप यहाँ पे भी एक मोटी लेयर लगा सकते हो। मैंने पूरे फेस में लगा के आपको दिखाया है। अब देखिए मेरा फेस पैक जो है 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दी थी और ये अच्छे से सूख गया है। अब आपको कैसे रिमूव करना है ये आपको बहुत ही ध्यान देना है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से बहुत केयरफुली आपको निकालना है। बहुत ज़ोर से नहीं निकालना है, हल्के हाथों से धीरे धीरे आपको रब करके निकालना है। आप इसको अगर धीरे धीरे रब करके निकालते हो तो आप देखोगे कि छोटे छोटे हेयर जो हैं आपके निकल रहे हैं। देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, बहुत ही प्यार से और बहुत आराम से निकाल रही हूँ। और हाँ, आपको ऊपर डायरेक्शन की तरफ निकालना, जैसे कि आपकी हेयर ग्रोथ नीचे की तरफ है तो आपको इसको ऊपर की तरफ करके निकालना है, नीचे की तरफ करके नहीं निकालना है। इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और देखिए अपर लिप्स के ऊपर भी आपको ऐसे ऊपर की तरफ यानी कि अपने बाल के अपोजिट साइड में आपको निकालना है डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे मैं जब अपने छुड़ा रही थी तो मेरा थोड़ा थोड़ा सा जो हेयर जो है टूट के वो निकल भी रहे थे। तो आप इस रेमेडी को जब प्रॉपरली अप्लाई करोगे, एक बार में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, आप 1 वीक 1 मंथ इसको अप्लाई करोगे तो आप देखना कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपके जो बाल हैं यानी कि फेस के जो हेयर है वो निकल जाएंगे और फिर दोबारा आपको वो आएंगे भी नहीं, यानी कि वो प्रॉब्लम जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी और नेचुरल रेमेडी है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो वो हमें साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन इस रेमेडी से आपके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और एक नेचुरल ग्लो आएगा। तो देखिए जब मैं छुड़ा ली थी फेस पैक तो मैंने हैंकी की हेल्प से अपने फेस को साफ कर लिया है। इसके बाद मैंने अपने फेस को साफ पानी से यानी कि नॉर्मल वाटर से मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया। आप देख सकते हो कि मेरे फेस में कितना ग्लो आया है। तो बस मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको देख लीजिए मैंने पोंछ लिया है। आप देख सकते हो कि मेरा फेस कितना शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इसके बाद आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको अपना फेस ऐसा ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको कोई भी ऑयल या फेशियल ऑयल अपने फेस में अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि जब भी आप कोई फेस पैक अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन जो है थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो कभी भी ड्राई स्किन नहीं छोड़ना चाहिए, अगर आप ड्राई स्किन छोड़ दोगे तो आपके फेस में रिंकल्स, झुर्रियाँ और की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोई भी ऑयल या मॉइस्चराइजर अपने फेस में अप्लाई करो और 5 मिनट तक आपको मसाज ज़रूर करना है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि इस फेस पैक को कैसे लगाना है और कैसे छुटाना है। तो अगर आप इसको इस रेमेडी को रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करोगे फेस में तो आपके फेस की अनवांटेड हेयर जो है धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएंगे और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। आपका फेस शाइन रहेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि हर किसी की चाहत रहती है कि मेरा फेस जो है शाइन करे, ग्लो करे और स्मूथ रहे और मेरे फेस में कोई भी चीज ना रहे। अनवांटेड हेयर बहुत ही खराब लगता है, लेडीज की तो ये प्रॉब्लम होती है कि उनको अनवांटेड हेयर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जेंट्स के तो चल जाते हैं, उनके अच्छे लगते हैं, बट लेडीज के नहीं अच्छे लगते। तो प्लीज गाइस आप मेरी इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना। आप 1 वीक 1 मंथ ट्राई करोगे तो आपको रिजल्ट 100% रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड को भी। और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगेगा। दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।